अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। इस दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। खुद राम मंदिर के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। ऐसा पहली बार है जब मंदिर निर्माण में खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है। मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं आदि शामिल हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई हैं। फोटो में मंदिर में लगने वाले स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है। 2024 में पीएम मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी निर्माण का काम जारी रहेगा। काम पूरा होने के बाद जनवरी तक मूर्ति स्थापित हो जाएगी। इसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, मतलब इस साल के अंत तक लोग रामलला के दर्शन मंदिर के अंदर करना शुरू कर देंगे। श्री प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राम मंदिर का शिला पूजन हुआ, जो जिस पर आज भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हो चुका है, और वह बहुत अच्छा समय और संयोग होगा, और विशेषकर राम भक्तों के लिए, जब जनवरी 2024 में स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और भगवान श्री राम लला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसा संकेत, ऐसा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो निश्चित है कि जो कार्यक्रम होंगे 2024 में यह खरवास के बाद, वह सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा होगा और उन्हीं के द्वारा भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जैसा अयोध्या वासियों के और अन्य भक्तों की इच्छा है, उसकी पूर्ति होगी। तैयारी सब पूरा हो रही है। पिछले महीने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निर्माणधीन मंदिर की तस्वीरें जारी की गई थीं। इनमें मंदिर का फ्रंट लुक दिखाया गया था, कुछ में अंदर के दृश्य भी दिखाए गए थे। मंदिर इतना भव्य बन रहा था कि वो हजार साल तक खड़ा रहेगा। इन सब के बीच राम जन्मभूमि की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसकी सुरक्षा की कमान SSF के हाथों में होगी, जिसका गठन यूपी सरकार ने हाल ही में किया है। इस फोर्स को यूपी पुलिस और PAC के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुनकर बनाया गया है, जिन्हें विशेष सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा की कमान संभालने के लिए SSF की बटालियन अयोध्या पहुँच चुकी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।